ऐसे तो भारत में एक से बढ़कर एक राजा हुए हैं, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम सुनते ही एक अलग से भाव आदर और सम्मान की भावना उत्पन्न होती है। क्योंकि आप देखिए, इतने छोटे से सह्याद्री से, इतने छोटे से भूभाग से उन्होंने इतने छोटे से राज्य से अपने आप को हिंदवी स्वराज्य का स्वप्न देखा, और हिंदवी स्वराज्य के पहले छत्रपति के रूप में उनका राज्याभिषेक 1674 में किया जाता है। तो आप सोचिए कि जहाँ राजस्थान के बड़े बड़े रियासत, जहाँ बड़े बड़े राजा रजवाड़े औरंगजेब के दरबार में ड्यूटी लगाया करते थे, औरंगजेब के साथ युद्ध किया करते थे, उसे टैक्स दिया करते कर दिया करते थे, लेकिन वही छत्रपति शिवाजी महाराज खुला विद्रोह कर देते हैं बीजापुर का आदिल शाह और औरंगजेब के विरुद्ध। तो सोचिए आप क्या सोच रही होगी उस इंसान की, क्या सोच रही होगी। मैं कोई ऐसे छोटे मोटे रियासतों की बात नहीं कर रहा हूँ, मेवाड़ के महाराज सिंह, जोधपुर के शासक महाराज जसवंत सिंह, और यहाँ तक कि मिर्जा राजा जय सिंह जो कि औरंगजेब के विशेष होया करते थे। महाराज सिंह की तो बाद में औरंगजेब से कुछ अनबनी हो गई थी, क्योंकि औरंगजेब द्वारा हिंदू मंदिर को तोड़ा जा रहा था, लेकिन फिर भी उनकी संधि भी कुछ समय तक औरंगजेब के साथ रही थी। लेकिन मिर्जा राजा जय सिंह तो जीवन पर्यंत तक औरंगजेब के लिए अभियान चलाते रहे थे, युद्ध करते रहे थे। तो सबसे बड़ा कारण यह है मेरे इस बात का कि आप देखिए कि महाराज सिंह, महाराज जसवंत सिंह और मिर्जा राजा सिंह तीनों की हत्या जहर देकर की गई थी, और इसके पीछे इतिहासकारों द्वारा कहा जाता है कि औरंगजेब कहाँ था। तो मेरे कहने का अर्थ यह है कि आप देखिए कि जो औरंगजेब के साथ जीवन पर्यंत लड़ते रहे, उनकी मृत्यु किसके हाथ होती है, छल से औरंगजेब के हाथों। और वही छत्रपति शिवाजी महाराज, जिसको मिर्जा राजा जय सिंह द्वारा ही पुरंदर की संधि में मनाया जाता है, हथियार डालने को कहा जाता है और औरंगजेब के पास दिल्ली भेजा जाता है दरबार में, वो जो है सिंह की भांति है छाती चौड़ी करके औरंगजेब को ललकारता है और कहता है कि तुम्हारे बादशाह नहीं जानते हैं क्या मैं कौन हूँ। और इस प्रकार से औरंगजेब की आज्ञा लिए बिना ही दरबार से बाहर जा जाते हैं। ऐसे राजा शिव छत्रपति वो जो है आप देखिए औरंगजेब से कैद से बाहर आते हैं, स्वतंत्र छत्रपति बनते हैं, भारत के पहले हिंदवी स्वराज्य के पहले छत्रपति बनते हैं। उसके विपरीत क्या होता है, जो औरंगजेब के साथ देने वाले होते हैं उनके साथ, उसके साथ जीवन पर्यंत तक युद्ध करने वाले होते हैं, मिर्जा राजा सिंह उनको जहर देकर उनकी हत्या की जाती है, महाराज जसवंत सिंह उनको भी जहर देकर उनके विश्वास पात्रों द्वारा हत्या की जाती है, महाराज सिंह को भी जहर देकर हत्या की जाती है, ऐसे इतिहासकारों द्वारा कहा जाता है। और इसके पीछे कारण जो है औरंगजेब को ही बताया जाता है। तो अब सोचिए कि जो उसके साथ लड़ते रहे उसको ही औरंगजेब द्वारा मरवा दिया गया, और वही छत्रपति शिवाजी महाराज जो उसके सामने सिंह की भांति छत्रपति शिवाजी महाराज जो भरे दरबार में औरंगजेब को ललकार के वापस आ जाते हैं, उसके आज्ञा लिए बिना वो जो है सिंह की भांति राज्य करते हैं, स्वतंत्र रहते हैं जीवन पर्यंत तक। और ये बात हम इसलिए कह रहे हैं, ये बहुत पीड़ा देती है कि आप देखिए मेवाड़, मारवाड़ और जोधपुर जैसे इतने बड़े रियासत राजस्थान के, जो हिंदुस्तान की भारत की सत्ता चलाने में वो बिल्कुल सशक्त थे, शक्तिशाली थे, वो उसके लायक थे, लेकिन देखिए औरंगजेब की वो गुलामी करते रहते हैं। अब सोचिए तीनों एक साथ हो जाते, तीनों रियासत, तो औरंगजेब किस खेत की मुड़ी थी, उसको ऐसे उखाड़ कर फेंक दिया जाता। और वो बात तो अलग है, मिर्जा राजा सिंह जो पुरंदर की संधि करवाते हैं 1665-66 में छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ, औरंगजेब के दरबार में भेंटते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज को। सोचिए अगर मिर्जा राजा सिंह केवल छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ देते तो वो तो बीजापुर और औरंगजेब को ऐसे उखाड़ कर फेंक देते, पूरा भारत की सल्तनत और पूरा भारत का जो राज्य था उस समय की जो स्थिति तो वही बदल जाती, लेकिन ऐसा होता नहीं, क्योंकि ये कभी हिंदू एक साथ आए ही नहीं, इनमें ही जो आपस में बैर रहा है वही जो है एक साथ हिंदुओं को नहीं ला पाया, और इसी कारण से जो है देश टूटा रहा। छत्रपति शिवाजी महाराज आप उनकी मूवीज़ देखेंगे, आप उनके बारे में पढ़ेंगे तो आप हमेशा 12 मामलों को एक करने में कहते हैं कि आप जाति पाति का भेद करके छोटा बड़ा और स्वार्थ का अपने आप को बीच में ला के आप जो है स्वराज्य को नहीं बना सकते, एक साथ नहीं आ सकते। इसी कारण से जो है छत्रपति शिवाजी महाराज जो मुहिम होते थे उनमें अपने आप को आगे रखते थे और सभी को समानता और समान तौर पर उनको सम्मान दिया करते थे। जहाँ आपस में भेदभाव रहेगा, ऊंच नीच की मामला रहेगा, जहाँ आपस में ही जो है क्लेश द्वेष रहेगा, वहाँ जो है कभी युद्ध नहीं जीता जाता। इसीलिए छत्रपति शिवाजी महाराज ये कहा करते थे कि आप बाहर में कितने दुश्मन हैं, कितने दुश्मनों की संख्या उसको देखकर आप अपने अंदर में जो छुपे हुए जो विषैले नाग हैं उसको पहचानो, उससे आप अत्यधिक युद्ध जीत सकते हैं, जो कि चाणक्य की नीति में से भी एक है। क्योंकि सांप तो आपको एक बार काटता है, लेकिन जो सांप की तरह जहरीला व्यक्ति होता है वो आपको बार बार राह राह पर डसता है। तो ये तो छत्रपति शिवाजी महाराज की चाणक्य नीति पर चलने वाली कहानी थी। तो इसी प्रकार से छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे भारत के पहले हिंदवी स्वराज्य के छत्रपति बने। तो आपको इसके बारे में क्या कहना है, राजस्थान के रजवाड़ों को एक साथ आना चाहिए, स्थिति के अनुसार अगर वो साथ में आ जाते हैं, पूरा राजस्थान के रजवाड़े छत्रपति शिवाजी महाराज सभी अगर साथ आते, जिस प्रकार से बप्पा रावल जी और ललितादित्य जी और नागभट्ट जी उस समय के जो शासन थे वो एक साथ आए थे अरबों को खदेड़ने के लिए, तो परिस्थिति कुछ और होती, क्योंकि भारत में एकता कम हो गई थी, इस कारण से हमारा देश जो टूट गया और गुलाम रहा।